चंपा जिले के कटला थाना क्षेत्र में रामपुर नोदरा गांव के पास हुए सड़क हादसे में बिलोरो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे एक युवक की मौत हो गई। मृतक सुरेंद्र यादव की अगले महीने ही शादी थी। पूरा परिवार उसकी शादी की तैयारियों और खरीदारी में जुटा था, लेकिन इस हादसे ने उनकी खुशियां छीन ली। जसपुर जिले के पत्थलगांव ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरगोविंद अग्रवाल पर जमीन विवाद को लेकर दो महिला सहित 5 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। कांग्रेस नेता को गंभीर हालत में डॉक्टर्स ने बिलासपुर रेफर कर दिया है। पत्थलगांव जनपद का कुमेकेला गांव में दो पक्षों में जमीन विवाद को लेकर अचानक लाठी डंडे से राजस्व और पुलिस हमले की उपस्थिति में हमला कर दिया गया। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना में नेशनल हाईवे 53 डोंगरीपाली और टेका आईटीआई के पास गौवंश से खचाखच भरी ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे उतर गई। इस हादसे में किसी भी गौवंश को नुकसान नहीं पहुंचा है, वहीं ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। रायगढ़ में रेलवे स्टेशन के पास चाकूबाजी का मामला सामने आया है, जहां दो युवकों ने एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। युवक के पेट व गर्दन में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। दंतेवाड़ा जिले के बचली थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने NMDC कर्मी पति की विधवा प्रेमिका की हत्या कर दी। पति की बेवफाई से तंग आकर पत्नी ने वारदात को अंजाम दिया। शुक्रवार को प्रेमिका के घर में घुसकर उसे मार डाला, चाकू से सिर और गले पर ताबड़तोड़ हमला किया। हत्या के बाद खुद थाने पहुंची और जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में हुए 12 करोड़ के घोटाले के मामले में फरार चल रहे बुरहानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष आनंद दीक्षित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आनंद को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी आनंद दीक्षित पुलिस से बचने के लिए अपना होलिया चेंज कर बड़ी दाढ़ी रख ली थी, जिससे वह पहचान में ना सके, लेकिन पुलिस ने 137 दिन बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से उसे गिरफ्तार कर लिया। राजनांदगांव जिले की चिखली चौकी पुलिस ने झाड़फूक के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह के 9 सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों ने बहुत ही शातिर तरीके से पीड़ित पति पत्नी से करीब 1.5 लाख रुपए ठग लिए थे। रायपुर की तेलीबांधा थाना पुलिस ने चोरी की 7 घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। 8वीं जगह चोरी करने के लिए मकान तलाश रहे थे, तभी पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के निवासी हैं। रायपुर की कबीर नगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कबीर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोन डोंगरी स्थित पुलिया के पास संदिग्ध अवस्था में खड़े मौदापारा निवासी शेख अनवर और सोनू सरफराज एवं संजय बनवा को पकड़कर उनके पास से 1 लाख रुपए कीमत का 5184 नग स्पास्मो नामक प्रतिबंधित नशीली टेबलेट जब्त किया है। शेयर मार्केट में निवेश कराकर डॉक्टर व कारोबारियों से 10 गुना मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी राकेश भभूतमल जैन को रायपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार किया है। आरोपी कई लोगों को करीब 15 करोड़ का चूना लगाकर पत्नी समेत गायब हो गया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश पुलिस के शीर्ष नेतृत्व में बड़ा फेरबदल किया है। वरिष्ठ IPS अधिकारी DM अवस्थी को एंटी करप्शन ब्यूरो ACB और आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो EOW का महानिदेशक बना दिया। वहीं डॉक्टर आनंद छाबड़ा ने इंटेलिजेंस का कमान लेकर उन्हें दुर्ग रेंज का IG बना दिया गया है। सरगुजा रेंज के IG रहे अजय यादव अब इंटेलिजेंस के IG होंगे।
रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में हुई लूट के दो आरोपियों सुरेश कुमार और संजीव कुमार को उरला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 5 अक्टूबर को मेटल पार्क रोड के पास आरोपियों ने एक व्यक्ति से 15,000 रुपए का मोबाइल लूट लिया। उसने लूट का मोबाइल बरामद कर पीड़ित को वापस लौटा दिया। अंबिकापुर शहर के रिंग रोड पर बेतरतीब खड़े भारी वाहन जानलेवा साबित हो रहे हैं। स्कूटी सवार युवक रिंग रोड पर बेतरतीब खड़े बोरवेल ट्रक से जा टकराया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक काफी गरीब परिवार का था, वहां अंबिकापुर में रहकर बॉडी गैरेज का काम सीख रहा था। पुराने भूमि अधिग्रहण के बदले लंबित रोजगार प्रकरण, मुआवजा, पूर्व में अधिग्रहित जमीन की वापसी, प्रभावित गांवों के बेरोजगारों को खदान में काम देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर भू विस्थापितों ने कोरबा जिले की गेवरा खदान में काम बंद कर दिया। प्रबंधन ने वार्ता कर आश्वस्त किया कि 30 नवंबर तक जमीन अधिग्रहित भू विस्थापित क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। रायगढ़ जिले के चकद्दर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक भयानक दुर्घटना प्रकाश में आया है। यहाँ एक तेज रफ्तार बोलेरो ने एक्टिवा सवार दो लोगों को बुरी तरह से रौंद दिया, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मृतक युवक सुरेश खड़िया मांझापारा बड़े अतरमुड़ा का रहने वाला था। जसपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र के खदान में ब्लास्टिंग के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही ब्लास्टिंग से निकले बड़े बड़े पत्थरों ने घरों को नुकसान पहुंचाया है। इसे लेकर ग्रामीण आक्रोश में है और खदान बंद करने की मांग कर रहे हैं। मामले में ग्रामीणों का मानना है कि ब्लास्टिंग के दौरान बड़े पत्थर लगने से ही उसकी मौत हुई है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव ब्लॉक के दर्री मटिया एनिकेट वाले मामले में पहली बार कार्रवाई हुई है। प्रारंभिक जिम्मेदारी तय करते हुए जल संसाधन विभाग ने उप यंत्री किरण रामटेको को निलंबित कर दिया। प्राथमिक जांच के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर डोमन सिंह द्वारा संभाग आयुक्त महादेव कांवरे को भेजी गई अनुशंसा पर यह कार्रवाई की गई। जांजगीर चांपा जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र में ग्राम भैंसों में दो भतीजों के साथ मुरलीडी जा रहे युवक सुरेंद्र बघेल की कार और कैप्सूल वाहन में ग्राम पकरिया के पास टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों ने कार के स्टीयरिंग में फंसे चालक और भतीजे को किसी तरह बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से पामगढ़ अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही सुरेंद्र बघेल ने दम तोड़ दिया। जसपुर जिला शिक्षा अधिकारी मधुलिका तिवारी द्वारा जारी किया गया एक आदेश इंटरनेट मीडिया में जमकर प्रसारित हो रहा है। इस पत्र में डीईओ ने जिले के सभी सरकारी स्कूलों और शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले कार्यालय में पदस्थ शिक्षक अधिकारी व कर्मचारियों से कार्यालयीन समय में शराब सेवन न करने का घोषणा पत्र जमा करने के निर्देश दिए हैं। मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वजह है उनका जाति प्रमाण पत्र, जिसे बीजेपी नेताओं ने फर्जी बताया है और कलेक्टर से शिकायत की है। शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बीजेपी नेता कलेक्ट्रेट पहुंचकर हेमेंद्र का प्रमाण पत्र निरस्त करने और उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। दुर्ग की एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट दुर्ग एवं थाना मोहन नगर की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दीपक नगर निवासी रिटायर्ड पीएचई विभाग के मैकेनिकल अभय गावड़े को उनके बच्चों का क्लासमेट होने का भरोसा देकर विश्वास जीतकर भिन्न भिन्न कारण बताकर 1,20,99,000 रुपए लेकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी प्रदीप यादव और वह उसकी मुंह बोली बहन शशि यादव को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 नग एटीएम कार्ड, एक मोबाइल एवं आरोपी शशि यादव के पास से पैन कार्ड, एटीएम एवं पासबुक बरामद किया है।